क्लास को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 मस्ट भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, उसमें लिख लिए ना नौवीं वाला में, क्या लिखा होता है, एपी का पांचवा पद शून्य होगा, लास्ट में लिख लीजिएगा। चलिए दसवां क्वेश्चन है, किसी एपी का सत्रहवां पद, अभी बोले एपी का पांचवा पद शून्य होगा, क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट में लिखिएगा, एन बराबर 5 आया था ना, उसके नीचे में लिखिएगा, अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा, अतः लिखिए लीजिए, अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा या है, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो क्या करिएगा आप लोग, वही बात, माना कि विवेक को नहीं देखते, माना कि एपी का प्रथम पद को मानने सार्वांतर को मान लिए हैं डी। प्रश्न से क्या कहता है कि एपी का जो 17वां पद है ना, 17 इस 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, समझिए बुआ, कोई क्या मसाल लेता है, रुकिए हम बता, टाइम उसको चेंज करता है बुआ, चलिए आ जाइए, मेन गेट यही है, तो छुट्टी होगा तो इधर से सब निकलेगा, कहाँ जाए, उधर से निकलने में थोड़ा, मेरा डॉगी है ना, उसको देख कर निकालना पड़ता, कुत्ता, चलिए काट लेगा तो गड़बड़ा जाएगा, उसको देखना पड़ता है, एक आदमी को पहले उसको लेकर के मतलब ठहरवा तब निकालिए, गड़बड़ा जाएगा नहीं, अब कोचिंग बंद अब असंभव है, 300 प्लस अब कहाँ से, जिस समय बंद होना था उस समय हुए नहीं क्या, अब कुछ नहीं होने वाला है, चलिए अब चेला सब संभाल रहा है ना बुआ, एपी का मतलब माना कि एपी का प्रथम पद, इस सब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम पद मान लीजिए, सर्वांतर मान लीजिए, प्रश्न से आ जाइए, कहता है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, बताइए शिवानी बुआ कि इसमें से 7 कौन अधिक है, हाँ ये अधिक है 7, इससे एपी का 17वां जो पद है ना, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो किस में 7 जुड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा, हाँ इसमें जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d, प्लस का 7, आया समझ में, क्लियर है ना। अब देखिए बुआ, अब देखिए क्या करिए, सुनिए, ए प्लस में तो इधर लाइए, तो माइनस, अच्छा बराबर में है, काट दीजिए ना, बराबर में है तो कट जाएगा, अब इसको इधर ले आइए, 16d माइनस का कितना हो जाएगा, 9d बराबर 7, घटाइए तो कितना होता है, 7 कितना होता है, 16, वही तो रुके थे, 7d होगा ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 7 वट्टा काटेंगे तो 1, d बराबर 1, अतः
सार्वांतर, अंतर बराबर कितना हो जाएगा? एक। अरे वही खुद सोचिए ना, आपको कहा क्या रहा था कि सत्रहवां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कर, क्या निकालने के लिए कह रहा था? सार्वांतर, ना कि